के गुजरात प्रांत के प्रमुख हैं, 3 साल से यूथ पार्लियामेंट का आयोजन आप किया है। सबसे पहले तो हम सब में थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है, तो सब एक साथ बोलेंगे भारत माता की वंदे। मंच पर उपस्थित सारे महानुभव को प्रणाम, और दूर दूर तक बैठे हुए चेहरे जिसमें हिंदुस्तान जीता है, हिंदुस्तान जीता है और हिंदुस्तान जीता है। आज हम लोग जमा तो होते हैं, हम लोग जमा होकर ये नहीं देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोग एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि किस नीयत से लोग जुड़े हैं। और आज ये मोहब्बत के मंदिर में, जैसे कि रामकृष्ण मिशन की बात कर रहा हूँ, आज मोहब्बत के मंदिर में ये सब जुड़े, आप सभी जुड़े, और मैं ये सब जानता हूँ कि आप सब मोहब्बत करने वाले, नफ़रत करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। हम हमेशा से एक बात जानते हैं, धर्म की बात जानते हैं। आज अगर हम धर्म की बात करते हैं तो मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। मुझे डॉक्टर जयेश शाह और रामकृष्ण मिशन ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे डायस पे इन सभी के साथ बैठ पाऊँ और धर्म और यूथ के बारे में थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर करूँ। आज इस देश में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, 5 तरीके के लोग होते हैं। आज एक हिंदू ऐसा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसीलिए मैं हिंदू के बारे में बता रहा हूँ, एक हिंदू ऐसा होता है जो साल में एक बार मंदिर जाता है, दूसरा हिंदू वैसा होता है जो 6 महीने में एक बार मंदिर जाता है, तीसरा हिंदू वो होता है जो एटलीस्ट 1 वीक में एक बार मंदिर जाए, चौथा हिंदू वो होता है जो रोज़ मंदिर जाए, और 5वां हिंदू सिर्फ वही होता है जो सिर्फ वेजिटेरियन खाता है इसीलिए वो हिंदू है। लेकिन हम लोगों को एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हिंदू हो, हिंदू वो होना चाहिए जो पल पल हिंदू है, क्षण क्षण हिंदू है, जमी जमी हिंदू है और आसमान आसमान हिंदू है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि हिंदू क्या है, तो हिंदू वो है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वापस से बोल रहा हूँ, हिंदू वो है जो अपने हाथों से और अपने जबान से किसी को तकलीफ ना पहुँचाए, वो हिंदू है दोस्त। आज 2 अक्टूबर है, और 2 अक्टूबर को आप सभी को पता है कि क्या है, हम गांधी जी को मानते हैं और गर्व से मानते हैं। हम सब गुजरात में रहने वाले दोस्तों, हमें इंस्पिरेशन की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में चाहे नोट हो या ना हो, लेकिन इस देश के हर एक नोट पे गांधी जी का, हमारे बापू का चेहरा ज़रूर है। गांधी जी ने 2 जुमले कहे थे जो मैं आप सभी को, आप थोड़ा सा गौर करिएगा इस जुमलों में। उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा था कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें मोहब्बत करना भी आता है और हुकूमत करना भी आता है, और सिर्फ हुकूमत करते आता है। और दूसरा जुमला जो कि उन्होंने कहा था, आज आप सभी जानते हो कि गांधी जी और बच्चा खान, उन लोगों की दोस्ती का एक बहुत ही अलग महत्व है और आज भी उसे जाना जाता है। उन्होंने कहा था, ये जुमला दोहराया था, ज़रा गौर से सुनिएगा, कि मैं क्या करूँ, आज भी इस देश में लाखों वो रस्ते हैं जो मंदिर से शुरू होते हैं, मस्जिद पे ख़त्म होते हैं, मस्जिद से शुरू होते हैं, मंदिर पे ख़त्म होते हैं, और जब तक मस्जिद और मंदिर का रिश्ता मजबूत रहेगा, चाहे लोग धर्म पे कुछ भी कहे, भारत एक था, एक है और एक रहेगा दोस्तों। आज इस मुल्क में 2 बड़े मजहब है, हिंदू और मुसलमान। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यूथ के लिए और आप सभी के लिए, वैसे आप सभी यूथ है क्योंकि आप लोग यहाँ मौजूद है इंटरफेथ हार्मनी मीट के लिए। तो आज इस देश में 2 बहुत बड़े क्या है मजहब है। आज एक मुस्लिम के ईश्वर को अल्लाह कहते हैं, मुस्लिम के प्रोफेट को रसूल कहते हैं, मुस्लिम की किताब को कुरान कहते हैं, और वही होता है हिंदू में। आज हिंदू के ईश्वर को ईश्वर कहते हैं, हिंदू के अवतार को राम कहते हैं, और हिंदू की किताब को गीता, महाभारत, रामायण, जो आप कहना चाहे वो कह लीजिए। आज के टाइम की समस्या ये है कि आज एक मुसलमान अल्लाह को तो मानता है पर अल्लाह की नहीं मानता, कुरान को मानता है कुरान की नहीं मानता, और आज हिंदू में भी वही है। आज हम ईश्वर को मानते हैं पर ईश्वर की नहीं मानते, अवतार को मानते हैं पर अवतार की नहीं मानते। और आप सब मुझे सुनने के बाद कहेंगे, कुणाल आपको तो मानते हैं लेकिन आप की नहीं मानते। आज मैं कोई, वैसे एक आप सभी से बात कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे जो बिलीफ वर्ड है, बिलीफ, वो एक इतना इम्पॉर्टेंट वर्ड हो चुका है इस देश में
कि हम कुछ भी सोच, अगर हम कुछ किसी चीज पे श्योर नहीं होते तो हम कह देते यस वी बिलीव इन इट. आज बिलीव इज सम एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस विच वी शुडंट हैव. आज हमारे अगर आंसर्स का हमारे पास जब आज हमारे क्वेश्चंस का हमारे पास आंसर नहीं है तो इसमें कोई बुराइयत नहीं है. आज मैं यूथ से भी यही कहता हूँ कि अगर हमारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड है तो वो अनआंसर्ड रहने चाहिए, क्योंकि आने वाली पूरी लाइफ में हम लोग वो क्वेश्चन पे अलर्ट रहेंगे, ना कि हम किसी बात को सुनते रहेंगे. आज एक ईसाई ईसाई की बात करे तो उसे एक दिन शर्मिंदा होना पड़ेगा. आज अगर हिंदू हिंदुइज्म की बात करे तो उसे एक दिन शर्मिंदा होना पड़ेगा. आज अगर कोई मुस्लिम मुस्लिम की बात करे तो उसे एक दिन शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन कोई इंसान इंसानियत की बात करे तो उसे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा. मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरे लिए रिलीजन क्या है, मेरे लिए मेरा धर्म क्या है, मेरे लिए मेरा धर्म स्कूल है. वो स्कूल जिसमें दो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सबसे पहला लॉ और दूसरा साइंस. पहला लॉ क्यों? क्योंकि जब धर्म बना तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना. तब सुप्रीम कोर्ट नहीं था हम लोगों के लिए, तब धर्म था जो सिखाता था कि क्या सही है और क्या गलत है. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि लोग इंसान इंसान को ना खाए, इसीलिए धर्म बनाया गया है. तो हमें इस बात पे बहुत गौर देना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आज धर्म के बारे में कोई कुछ भी कहे. आज अगर आप सभी लिटरेट लोग हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या धरती गोल है या फ्लैट है? गोल है, बहुत ऑब्वियस है. क्या हमें पता है यहाँ पे, या फिर हम यहाँ रामकृष्ण मिशन से बाहर जाके हम देखेंगे ऊपर तो हमें पता चलेगा कि हम धरती के ऊपर है या धरती के नीचे है, हाँ या ना? तो जब हमें यही नहीं पता कि हम धरती के ऊपर है या नीचे, तो हमें कैसे पता कि हमारे ऊपर कौन है? लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको हर बंदे को, हर जो भी बंदा यहाँ पे मौजूद है और पूरे देश में, उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्पेक्ट तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाएगी और ये रिस्पेक्ट एक हार्मनी फैलाएगी. क्योंकि अगेन मैं कहना चाहता हूँ, ये एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है. मैं आप सभी से एक छोटा एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ. सो बेसिकली इन न्यूयॉर्क देयर वॉज अ किड एंड अ मदर, सो ऑब्वियसली दैट मदर वॉज सिंगल. सो वो छोटा बच्चा उसकी मॉम को क्वेश्चन करता है, ममा इज गॉड मैन और वुमेन? तो अब वो सोचती है कि मैं क्या बोलूं. वो फिर कहती है सोच के कि इट इज बोथ. देन द किड अगेन थिंक्स एंड आस्क्स, इज गॉड ब्लैक और वाइट? बिकॉज अभी थोड़े इससे दो साल पहले इलेक्शन में उसका बहुत बड़ा माहौल बना था यूएस में, तो उन्होंने कहा बोथ. फिर उसने वापस से सोचा, बहुत डीप थिंकिंग की, ही आस्क्ड इज गॉड गे और स्ट्रेट? अब वो एकदम कंफ्यूज हो गई कि ये क्या बोल रहे हैं. सो उन्होंने कहा कि बोथ. सो ही जम्प्ड अप विद जॉय एंड ही सेड मेरा गॉड माइकल जैक्सन है. ऐसा क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसके लिए डांस ही सब कुछ था, इसीलिए वो उसका भगवान था. तो हम लोगों के लिए हमारा भगवान वो है जो हमारी सिचुएशन पे आता हो. हमारे लिए हमारा भगवान ये नहीं कि ये है वो है. हमारे अगर अपन सब आंख बंद भी करेंगे, एक मिनट आंख बंद करेंगे और आपके आंखों में सामने जो भी आएगा वो आपका भगवान है. क्योंकि आप जो सिचुएशन में अभी हो, चाहे वो आगे हो या बाद में हो, हर टाइम भगवान चेंज होते रहते हैं. आपके लाइफ में आपके माता पिता के रूप में भगवान आएंगे, आपके फ्रेंड्स के रूप में आएंगे, आपके एडवाइजर्स के रूप में आएंगे. आज हम सबके लिए जयेश भाई भगवान बन के आया, हम सबको एक किया इन्होंने. तो भगवान कोई एक नहीं, भगवान अनेक है. हम सबको ये बात बहुत गौर से समझनी पड़ेगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आज आप आपके लाइक चिल्ड्रेन हो, ग्रैंड चिल्ड्रेन हो, या कहीं भी आप जा रहे हो, आप युवाओं को ये समझाओ कि जरूरी नहीं हमारे क्वेश्चन के आंसर्स हमारे पास हो. हमारा क्वेश्चन हमेशा तक रह सकता है क्योंकि हम ओपन हो जाएंगे उस सारे आंसर्स के लिए. तो ये बात मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे जाके दो तीन लोगों को बताएं कि क्वेश्चंस अनआंसर्ड चलेंगे, लेकिन वो अलर्टनेस रहेगी, हम किसी के बातों में नहीं आएंगे. एक और एग्जांपल देना चाहता हूं. हम अभी बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, जैसा सर ने कहा था कि थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है तो भी तकलीफ है. आज के टाइम पे हम सब बात करते हैं, हम नॉन वायलेंट है. हम बात करते हैं कि हम तो एकदम ये धर्म को मानते हैं तो हम एकदम पीस है, पीसफुल है. लेकिन आज अगर मेरा रूप भगवान को देखने का कोई और हो, आज अगर एक स्टैच्यू बना है रेस कोर्स पे किसी भगवान का जिसके चार हाथ है, मेरे लिए भगवान का कोई हाथ नहीं है. मैं अगर जाके आज अगर स्टैच्यू लगाए, अगले दिन जाके मैं वो चार हाथ काट दूं, तो आप लोग तो यही सोचेंगे इस कुणाल को तो मैं मार दूंगा.
आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि मैं इस कुणाल को मार दूंगा, ये कैसे सोच तक सकता है भगवान के बारे में ऐसा? लेकिन मेरे लिए भगवान कोई और हो सकता है, आप लोगों के लिए भगवान कोई और हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सबका भगवान एक हो। एक बहुत लास्ट चीज मैं कहूंगा कि आज के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट कहां आ रही है, क्योंकि हमेशा हम अच्छी बात करते हैं लेकिन एक एक जगह तो हम झगड़ते हैं, और वो झगड़ना, देयर इज नो गुड नो एविल इन दिस वर्ल्ड। The problem with this world is one man's belief versus another man's belief. आज ये बात अपन सबको माननी पड़ेगी और इस पर implementation भी देना होगा कि हम लोगों का झगड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। आपकी सोच और मेरी सोच एक झगड़ा है जिसको हम आगे लेके जाते हैं, और आज से आज हम सब यहाँ जुड़े हैं तो आज से हम वो चीज को कैंसिल करेंगे, वो चीज को आगे नहीं लेके जाएंगे, दूसरे की बिलीफ को रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम बात करते हैं सुपर पावर बनने की, हमें सबसे पहले तो पीसफुल बनना पड़ेगा और हमारी हेल्थ एजुकेशन और जुडिशरी पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम सुपर पावर की ओर बढ़ पाएंगे। इस दुनिया में एक बहुत इस पे गौर दीजिएगा, इस दुनिया में जितने लोग जिंदगी के नाम पे जीने वाले नहीं है उतना इस देश में इस देश के लिए मरने वाले लोग हैं। तो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आज से हम कुछ भी करें, आज हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं, हम हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं? हम एटलीस्ट अगर कुछ नहीं कर रहे तो इस देश को में पीस फैलाने के लिए हम दो शब्द अच्छे से बात करें, सुबह उठ के कोई भी अगर रास्ते में मिल रहा है तो उसे गुड मॉर्निंग बोले। क्योंकि हमारा धर्म हमको ये नहीं सिखाता कि किसी और को तकलीफ दे, हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम सबको एक साथ जोड़े और हम सब एक साथ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। मैं मेरे से कोई भी गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ और मैं उस चीज़ पे प्राउड फील करता हूँ कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है और मेरे ये क्वेश्चंस हमेशा अनआंसर्ड रहेंगे, तो क्योंकि मैं अलर्ट रहूँगा। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।